R9 टीवी पर स्वागत है आपका। इस वक्त आपको बता दें, पी चिदंबरम से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईडी मामले में दरअसल एयरसेल मैक्सिस जो मामला है उसमें राहत मिली है पी चिदंबरम को भी, कार्ति चिदंबरम को भी, और अब 3 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी दरअसल नहीं हो पाएगी। ईडी की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि पहले से ही पी चिदंबरम जो है वो कस्टडी में है, रिमांड पर है 5 दिन की, ऐसे में उनकी याचिका जो है प्रभावहीन हो जाती है और 3 सितंबर तक अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। एयरसेल मैक्सिस ये मामला है जिसमें आपको बता दें कि 600 करोड़ रुपयों तक की अनुमति थी FIPB के जरिए, लेकिन एयरसेल मैक्सिस जो डील हुई वो 3,500 करोड़ की थी, जिसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी मामले में दरअसल ईडी की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट और बड़ी राहत पी चिदंबरम को, 3 सितंबर तक अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप लगातार बने रहिए R9 TV के साथ।